वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टेक्सटाइल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, द डिसाइजिंग प्रोसेस मेनली रिमूव्स, ऑप्शन है इसके वैक्स एंड टैलो, डर्ट एंड कलर, स्टार्च, नेचुरल इम्प्योरिटीज। 5 सेकेंड का समय है, आप इसको सॉल्व करिए। तो डिसाइज, इसका सही आंसर है स्टार्च, इसका सही आंसर है स्टार्च। प्रिपेटरी प्रोसेस के अंतर्गत डिसाइजिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग साइज मटेरियल को हटाते हैं। साइज मटेरियल में स्टार्च हो गया, कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज हो गया, ये सब लगाए जाते हैं, उसी को साइजिंग मटेरियल में लगाते हैं। जब साइजिंग कहते हैं तो हम साइज मटेरियल को हटाते हैं, डिसाइजिंग प्रोसेस में हम उसको हटा देते हैं, तो क्या होते हैं स्टार्च होते हैं, कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज होते हैं, इत्यादि होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। बैच वाइज स्कवरिंग कैन बी कैरिड आउट इन, ऑप्शन है विंच, जिगर, कीयर, जे बॉक्स। 5 सेकंड का समय है, इसका सही आंसर है कीयर। ठीक है, कीयर दो बताया गया था, एक ओपन बॉल और एक प्रेशर बॉल। ठीक है, एक ओपन बॉल, एक प्रेशर बॉल। ओपन बॉल का टेम्परेचर 100 था, प्रेशर बॉल का 130 था। ठीक है, इस कवरिंग में आयल एंड वैक्स को हटाते हैं, फैब्रिक में जो आयल एंड वैक्स होता है केमिकल कंपोजिशन कार्टन में, आयल एंड वैक्स जो होता है उसी को हटाते हैं इस कवरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्ग्रेडियंट ऑफ ए स्कवरिंग कंपोजिशन इज, ऑप्शन है इसके वेटिंग एजेंट, एल्कली, इमल्सिफाइंग एजेंट, सोडियम सिलिकेट। 5 सेकंड का समय है, इसका सही आंसर है एल्कली, इसका सही आंसर है एल्कली। ठीक है, एल्कली मतलब बेस। वूल एंड सिल्क कैन बी ब्लीच विथ, वूल एंड सिल्क किसके साथ ब्लीच किया जाता है, ऑप्शन है इसके सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, सोडियम परबोरेट, हाइड्रोजन परऑक्साइड, सोडियम हाइपोक्लोराइट। 5 सेकंड का समय है, इसका सही आंसर है हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड एक यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट है, यूनिवर्सल ब्लीचिंग एजेंट है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला H2O2। ठीक है, इसका जब H2O2 का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या मिलता है, वाटर मिलता है प्लस नसेंट ऑक्सीजन मिलता है, नसेंट ऑक्सीजन इसको बोलते हैं, यही नेचुरल कलर को हटा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्चराइजेशन इज कैरिड आउट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑफ, इसका कंसंट्रेशन कितना होता है, पहला 10 से 15%, दूसरा 18 से 25, तीसरा है आपका 5 से 10%, चौथा है 25 से 35%। तो इसका सही आंसर है 18 से 25% कंसंट्रेशन होता है मॉइस्चराइजेशन में। मॉइस्चराइजेशन किससे कहते हैं, कास्टिक से कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मॉइस्चराइजेशन से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, लस्टर बढ़ जाती है, डाई एबिलिटी बढ़ जाती है, ये सब प्रॉपर्टियाँ बढ़ जाती हैं। ठीक है, जो उसका कार्टन का सेप होता है किडनी से आपका सर्कुलर हो जाता है, किडनी सेप कार्टन का जो होता है वो सर्कुलर हो जाता है। एन ऑप्टिकल ब्राइटनर इज, ए सिंथेटिक ब्लूइंग एजेंट, ए कलरलेस डाई, ए फ्लोरोसेंट कंपाउंड, एन ऑप्टिकल वाइटनर। ऑप्टिकल ब्राइटनर इसका सही आंसर है ए कलरलेस डाई, ए कलरलेस डाई, एक कलरलेस डाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, यूस्टर क्लासीमेट इन फॉर क्लासीफाइंग, पहला यान फॉल्ट, यान इम्परफेक्शन, यान इरेगुलरिटी, इसका सही आंसर है यान फॉल्ट। ठीक है, यूस्टर क्लासीमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिंजिंग ऑफ कॉटन इज कैरिड आउट टू, ऑप्शन इसके रिमूव ट्यूटिंग फाइबर फ्रॉम फैब्रिक सरफेस, इम्पार्ट लस्चर, कट लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम फैब्रिक सरफेस। इसका सही आंसर है रिमूव प्रोट्रूडिंग फाइबर फ्रॉम द फैब्रिक सरफेस, चेंजिंग प्रीपेटरी प्रोसेस का पहला प्रोसेस है। हाइड्रोजन पराक्साइड ब्लीचिंग इज कैरिड आउट ऑफ, रूम टेम्परेचर 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 से 100, तो इसका सही आंसर है 80 से 100 डिग्री टेम्परेचर, 80 से 100 डिग्री टेम्परेचर होता है। मर्सराइजेशन ऑफ कॉटन इज कैरिड बाई यूजिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, एस्टिक एसिड, इसका सही आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा में मर्सराइजेशन किया जाता है, इससे फैब्रिक की स्ट्रेंथ, लस्चर, ड्यूरेबिलिटी, डाइएबिलिटी इत्यादि प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। डाइंग ऑफ पॉलिस्टर इज कैरिड आउट बाय यूजिंग एसिड डाई, डायरेक्ट डाई, डिस्पर्स डाई, इसका सही आंसर है डिस्पर्स डाई, पॉलिस्टर फैब्रिक पे डिस्पर्स डाई यूज की जाती है। डिस्पर्स डाई वाटर इनसॉल्युबल डाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनाइल सल्फोन रिएक्टिव डाई आर अप्लाइड ऑन कॉटन अंडर, पहला ऑप्शन अल्कलाइन पीएच, न्यूट्रल पीएच, एसिड पीएच, इसका सही आंसर है न्यूट्रल पीएच, इसका सही आंसर है न्यूट्रल पीएच। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड डाई आर हेल्ड ऑन नालान बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कोवेलेंट बॉन्ड, वांडरवाल फोर्स, इसका सही आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एसिड डाई में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। द मोस्ट प्रोडक्टिव मेथड फॉर टेक्सटाइल प्रिंटिंग इज रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग, ऑटोमेटिक फ्लैट बेड स्क्रीन प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका होता है रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग का, ठीक है रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग का, इसमें कलर कम्बिनेशन भी ज़्यादा होता है, ठीक है इसमें कलर कम्बिनेशन ज़्यादा होता है। जिमर मशीन जो होती है सबसे बेस्ट मानी जाती है जर्मनी की रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए। फिक्सेशन ऑफ डिस्पर्स डाई ऑन पॉलिस्टर इज कैरिड आउट ऑफ एटमॉस्फेरिक स्टीमिंग, प्रेशर स्टीमिंग, क्यूरिंग एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 मिनट। डिस्पर्स डाई के का हम क्या कहते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट में क्यूरिंग करते हैं, क्यूरिंग 140 डिग्री एट 5 मिनट के लिए कहते हैं। पिगमेंट की भी क्यूरिंग कहते हैं, पिगमेंट से जो डाई प्रिंट किया जाता है फैब्रिक उसकी भी क्यूरिंग करते हैं, तो उसका टेम्परेचर 140 होता है और 5 मिनट के लिए तो डाई फिक्स हो जाती है। द मोर कॉमन एजेंट यूज्ड फॉर डिस्चार्ज प्रिंटिंग आर, पहला ऑप्शन ऑक्सीडाइजिंग टाइप, रिड्यूसिंग टाइप, न्यूट्रल इन रिएक्शन, तो ऑक्सीडाइजिंग टाइप इसका सही आंसर है, ऑक्सीडाइजिंग टाइप इसका सही आंसर है। आर्टिफिशियल सिल्क इज क्या होता है, रेयन, पॉलिस्टर, एक्रेलिक, एसीटेट। आर्टिफिशियल सिल्क विस्कस रेयन होता है, ठीक है आर्टिफिशियल सिल्क, आर्टिफिशियल ऊल क्या होता है एक्रेलिक होता है, आर्टिफिशियल ऊल क्या होता है ऊल का आर्टिफिशियल एक्रेलिक होता है, जूट को गोल्डन फाइबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिस्टर इज रिफर्ड एज ड्यूपोंट, वर्क हॉर्स,
सेलुलोज एसीटेट एक्रेलिक, इसका सही आंसर है वर्क हॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पन यार्न्स आर स्मूथ लस्चरस डल कूल। स्पन यार्न कैसा होता है? डल होता है। स्पन यार्न कैसा होता है? डल होता है। इसका सही आंसर है डल। फिलामेंटस यार्न आर स्मूथ डल सॉफ्ट शॉर्ट, तो कैसा होता है? स्मूथ होता है। फिलामेंटस यार्न कैसा होता है? स्मूथ होता है। फिलामेंटस यार्न कैसा होता है? स्मूथ होता है। टेक्सचर्ड यार्न आर स्ट्रेट वार्म कंटिन्यूस स्पन, टेक्सराइजेशन से लश्चर कम किया जाता है, उसमें फॉल्स ट्विस्ट देते हैं, ये सब फिलामेंट का किया जाता है जैसे पॉलिस्टर और नायलॉन का, तो इसमें कंटिन्यूस हो जाता है। इसका सही आंसर है कंटिन्यूस। टेक्सराइजिंग हमेशा किसकी की जाती है? मैनमेड फाइबर का। नोवेल्टी यार्न आर यूजली, इसके चार ऑप्शन हैं, इसका सही आंसर है फ्लाई यार्न। इसका सही आंसर है प्लाई यार्न। ठीक है, स्पिनिंग ऑफ यार्न मींस डेनियर ट्विस्टिंग टेक्स पुलिंग। स्पिनिंग ऑफ यार्न इज मींस, इसका सही आंसर है ट्विस्टिंग। इसका सही आंसर है ट्विस्टिंग। द फैब्रिक कम आउट फ्रॉम द लूम इज नोन एज ग्रे गुड्स। ग्रे गुड्स दो बार, ग्रे गुड्स मर्सराइज गुड्स नन ऑफ द एबो, तो आपका ग्रे गुड्स होता है। स्पेलिंग यहाँ पे फॉल्ट है एक में, इसलिए ए वाला सही होगा ग्रे गुड्स। ठीक है, इसका सही आंसर है ग्रे गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ व्यू प्रोड्यूसेस लस्चरस सरफेस, ट्विल सटिन जैकार्ड पाइल व्यू। इसका सही आंसर है सटिन। सटिन ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।